अस्सलाम वालेकुम, आप लोग कैसे? उम्मीद करती हूँ मैं जैसे खुश होंगी, मज़े में होंगी और अल्हम्दुलिल्लाह आपकी दुआ से मैं बिल्कुल ठीक ठाक हूँ। आप जहाँ कहीं भी रहें खुश रहें, आबाद रहें। आमीन सुमामी। तो आज का ब्लॉग मैं ये नहीं कहूँगी कि इतना इंटरेस्टिंग, क्योंकि बारिश से हो गया है बहुत बुरा हाल। एक टेंशन ये और दूसरी टेंशन ये कि मेरी एक कज़न जो कि बहुत बीमार है, प्लीज़ आपसे आज मेरी एक छोटी सी रिक्वेस्ट है कि आप सब मेरे साथ दुआ में शामिल हो जाएं, क्योंकि मैं तेरी हर दुआ में उसी के लिए सबसे पहले दुआ निकलती है, क्योंकि वो मेरी बहुत ही अच्छी कज़न है, बहुत अच्छी, उनके छोटे बच्चे भी हैं। तो अल्लाह ताला अपने ज़मान में रखे, बस वो हॉस्पिटल में एडमिट, अल्लाह ताला जल्दी से डिस्चार्ज हो जाए, मेरी यही दुआ है। तो आप भी प्लीज़ दुआओं में शामिल हो जाएँ मेरे साथ और उनके लिए दुआ करें, क्योंकि हम दुआ तो करते हैं लेकिन कबूलियत की घड़ी कभी कभी होती है। हो सकता है अल्लाह ताला आप सब में से किसी की भी दुआ सुन ले और वो अच्छी और सेहतियाब होकर अपने बच्चों में आ जाए। तो आप सबसे मेरी छोटी सी रिक्वेस्ट है, इसको दूर दूर आप यकीन जानिए, अगर आप मुझसे मोहब्बत करते हैं सब मेरे फ्रेंड्स, तो ये दुआ ज़रूर करेंगे आप सब मेरे लिए, ठीक है? तो ये तो थी हमारी छोटी सी बात आपके साथ जो हमने शेयर की। तो मैं आपके साथ हर बार शेयर करती हूँ, तो मैं आप मेरे इतने अच्छे फ्रेंड्स हैं और मुझे आपसे शेयर करनी भी चाहिए। तो मौसम का बुरा हाल है वो इसलिए कि जो गरीब आवाम है जिनकी कच्ची छतें हैं, बुरा हाल हुआ है बारिश से, वो इतने ज़्यादा परेशान है कि अल्लाह बस करम कर दे अपना, क्योंकि बारिश बहुत ज़्यादा हो चुकी है, 20-22 दिन हो गए इसी सिलसिले को। तो अल्लाह ताला की रहमत थी जो बरस गई, बस अल्लाह अभी देख रहे हैं अल्लाह ताला का करम हो जाए अब और ये बारिश खत्म हो जाए। अगर आप चैनल पर नए तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, ज़्यादा से ज़्यादा मेरी वीडियो को शेयर करें, बेल आइकन को प्रेस करें, ताकि हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको सबसे पहले मिल जाए। तो जैसा भी होगा, आज आपको हम इसी तरह से ब्लॉग को स्टार्ट कर लिया है और दिखाते रहेंगे वक्त वक्त से किस कदर बारिश है, और इतनी सुबह का टाइम है और बारिश शुरू हो चुकी है। तो इस वक्त इतनी सुबह सुबह यानी पूरी रात ही समझ लो बारिश हुई और 7:30 का टाइम हुआ है, और इतनी अफरा तफरी, क्योंकि सब जो ऊपर सो रहे थे देवर मेरे जो सोते हैं वो नीचे चले गए थे, और समझ लो पूरी रात जो है बारिश बहुत थी। जो इतना बुरा हाल है कि बारिश में ही देखें, बारिश में काफ़ी नुकसान हो जाता है लोगों का, अल्लाह ताला बस अपना अपना करम कर दे परवरदिगार। इतने जो गरीब आवाम है वहाँ जाकर देखें कि लोग किस कदर परेशान हो रहे हैं, किसी की छतें टपक रही हैं। तो इस वक्त सुबह सुबह मैंने नाश्ता इनका रेडी कर दिया था, मैं भी और ये नाश्ता साथ कर लेते हैं, क्योंकि फिर मुझसे किया नहीं जाता है अकेले, तो मैं नाश्ता ज़रूर करती हूँ, क्योंकि एक बार नाश्ता कर ले। तो सुबह मैंने कपड़े भी धो लिए थे, क्योंकि थोड़ा सा मौसम कभी खुल रहा था कभी बादल हो रहे थे, तो कि कपड़े रख दो तो फिर उसमें फिर बारिश की वजह से ना कपड़ों में अजीब सी वो स्मेल वगैरह हो जाती है। तो मैंने सोचा कपड़े भी धो लो और खुश्क हो ही जाएंगे थोड़ी बहुत देर, फिर मैं अंदर ले जाती हूँ रूम में और वहाँ पंखे की हवा से सुखा लेती हूँ। तो यहाँ कपड़े भी धुल गए और मैंने सोचा अब कमरे की कर लेते हैं थोड़ी सी सफाई। तो थोड़ी सी सफाई वगैरह करने के बाद फिर आज आप हमारे साथ इसी तरह से जुड़े रहिएगा। देखिए तमाम सफाई कर ली है और ये बस इबादी बिगाड़ा करते हैं थोड़ा सा, ये बात को देखें किस तरह एंजॉय कर रहे हैं बारिश में। तो कमरे की सफाई कितनी भी कर लो वो बस इसी तरह से हो जाता है दोबारा। हालांकि मैं बच्चों को बहुत मना करती हूँ, बेटा पाँव गीले नहीं लाओ, तो क्योंकि बहुत मुश्किल से खुश्क हो रहा है, तो सारा गीला हो रहा है हर तरफ, इतना हो रहा है मसला बहुत बारिश से। तो ये देखें पूरा दिन हो गया और बारिश है, और हाँ मैं समझ नहीं आता क्या किया जाए क्या नहीं किया जाए, अल्लाह ताला बस अपना कर्म कर दे। तो इस वक्त हम रात के खाने पे बैठे हुए और नहारी मैंने बाज़ार से मंगाई क्योंकि मेरी भी तबीयत ठीक नहीं थी। तो आज की वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज़ खाना भी खा लें और चैनल को सब्सक्राइब करना नहीं भूलिएगा, कॉमेंट बॉक्स में अपनी राय का इजहार जरूर कीजिएगा आज आपको हमारी वीडियो कैसी लगी, और दुआ में ज़रूर शामिल रहिएगा मेरी कज़न के लिए, और मुझे रहेगा आपके कमेंट्स का इंतज़ार। तो इस वक्त मैं आपसे इजाज़त चाहती हूँ, नेक्स्ट वीडियो तक अल्लाह हाफ़िज़।